मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं इस कैंडल मार्च का हिस्सा बनी और मैं कुछ अपने देश के लिए कर रही हूँ। नमस्कार साथियों, मैं मुकुंद, अभी हम सिंघू बॉर्डर पे हैं। देश भर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कैंडल मार्च और मशाल जुलूस हो रहा है। आज के दिन ही 14 फरवरी को दो साल पहले 2019 में पुलवामा में हमारे जो नौजवान शहीद हुए थे, देश के जवान शहीद हुए थे, और जबकि इनका कहना है हमारे किसान आंदोलन में 2000 अधिक ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। तो किसान और जवान, जय जवान जय किसान की एकता को दिखाने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। ये देश में जितने जगह किसान आंदोलन चल रहे हैं उनके साथ साथ हर गाँव कस्बों में इन्होंने आह्वान किया है और हर जगह इस तरह के कैंडल बाजार किए जा रहे हैं। देखिए इस मशाल में शामिल होने आए किसानों और प्रदर्शनियों का क्या कहना है। मैं परमजीत सिंह टाटा नगर से आया हूँ और ये कैंडल मार्च जो है, जो हमारे शहीद हुए थे यहाँ पुलवामा में, उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्हीं को श्रद्धांजलि दी जा रही है आज के डेट में। इस कैंडल मार्च का ये मतलब है असि जो शहीद हो पुलवामा च उदे करके असं ये हाजिर हुए हैं। तो एक जो किसान वीर साढ़े इतने शहीद हो गए ये असि सारे संदेश देना चाहते हैं भी इतने बढ़ चढ़ के हिस्सा पाओ इस कैंडल मार्च, क्योंकि उन्होंने असं श्रद्धांजलि दे सकी। जो सा पुलवामा में शहीद हुए थे जो से ये बॉर्डर पर हैं, वो जो नौजवान हमारा जो सा अपना नारा है हमारा, वहाँ जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, जहाँ हमारे अपने उनके पिता माँ पे किसान जो आंदोलन चल रहा है वो शहीद हो रहे हैं, उनके वास्ते अस ये अपना कैंडल मार्च आज निकालेंगे। कम से कम 50,000 कैंडल आई हुई है जी। कितने लोग हैं? देखो लाखों लोग हैं, उतने कैंडल तो ला नहीं सकते हम। चलो जितनी भी आगे भगवान की कृपा से इतना चलेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर तक चल रहा है प्रोग्राम हमारा, इसलिए जितना बेसी से बेसी है वो किया जाएगा। सारे देश के पुलवामा के जो शहीद हुए हैं उन पुलवामा के शहीदों के लिए हम 7 बजे से 8 बजे तक कैंडल मार्च कर रहे हैं। वो जो पुलवामा में शहीद हुए सरकार ने उसका राशि लाभ फायदा उठाया। आज सरकार 800 सच्चे दिल से याद करते हैं, क्योंकि वो किसानों के बच्चे हैं, बेटे हैं। जब सरहद के उत्ते कोरोना के दौरान सारा देश बंद था, वो लोग देश की रक्षा कर रहे सन, जवान और किसान देश लिए अनाज पैदा कर रहा सी। जब देश की GDP माइनस सी कोरोना के दौरान, वो 4.9 खेतीबाड़ी से उसको ग्रोथ हुई। हम किसान खेतों में उस वे काम करता सी, नौजवान वहाँ देश की सरहदों पर लड़ रहा था। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, मैं शहीद भगत सिंह नगर से आई हूँ। और जी आज हम किसान जो हम यहाँ जो आंदोलन पर आए हैं, हम कैंडल मार्च जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनके लिए हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम ये मार्च निकाल रहे हैं। और ये हम सभी को ये कहते हैं कि सभी बढ़ चढ़ कर ये इस मार्च को, जो वहाँ दूसरे साइड पर बैठे हैं वो भी इस साइड पर आए। असि उन्होंने शहीदों को याद कर रहे हैं जिहड़े कि कुछ साल पहला पुलवामा शहीद हो गए सन फौजी, उन्होंने याद कर रहे हैं कि वो अज साडा संघर्ष चल रहा है, जिहड़ा नाल दी नाल असीं जिहड़े किसान मोर्चे दे विच शहीद होए आ किसान, उन्होंने भी असीं इह मंच तो श्रद्धांजलि भेंट करना है। देखो जी सरकारां तां बहुत कुछ बोलदियां, असीं अपने किसानां वीरां दे नाल आ, जिहड़े न्यूज़ चैनल आ सानूं बहुत ज़्यादा गलत साबित कर रहे, असीं इही संदेश देना चाहते हैं जिहड़ी साडी बीबियां भैणां वध चढ़ के हिस्सा लैणे ते आ। इसका संदेश तो यही है भी जेड़े सानू आ वे बजुर्ग इतने बैठे ने, नौजवान इतने बैठे ने, उन्होंने असी अज के दिन वास्ते संराली देनी है कि भी उत्थे अपने शहीद होए सन, इतने साढ़े किसान शहीद होए ने, इन्होंने बराबर मान के इन्हों का एक अज मार्च कढ़ना है। देश में इस संदेश देना चाहते हैं जो शहीद है सारी कौम दे ने साडे, असी उन्हां दे ओ साडे वारस ने, क्योंकि जो जिहड़े शहीद होए ने वो साडे गरीब लोगों के मजदूरों के बच्चे ने, इसलिए असी उन्हां दी याद च ये कैंडल मार्च कर रहे हैं। ऐसे ही जब लड़ाई में नौजवान शहीद होता है वो लड़ाई बंद नहीं होती,
हमारे बच्चे हमारे भरा है उनकी डेड बॉडी वापस आ जाती है। ऐसे ही हमारे जहां लड़ाई में जो साढ़े किसान शहीद हुए हैं वो वापस उनकी डेड बॉडी गांव में चली जाती है और हम वो लड़ाई को बंद नहीं करते। सच्चे साथियों से वो दोनों की लड़ाई को जोड़कर हम इस सरकार के खिलाफ लड़ने का प्रण करते हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। Thank you.